और एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरें आपको इस वक्त ही दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं सीधे ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एसआई भर्ती। विष्णु लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं, विष्णु अभी वहां से क्या अपडेट देंगे? तो रामू राम रायका की आज कोर्ट में पेशी होगी और इसको लेकर एसओजी जी जी विष्णु एसओजी की टीम कोर्ट पहुंच चुकी है इस वक्त। लिफ्ट का जो इंतजार किया जा रहा था, जो कि सातवीं मंजिल पर एसीजीएम कोर्ट है, और लिफ्ट में लेकर के रामू राम रायका को अब एसओजी। तो आरपीएससी के पूर्व सदस्य रह चुके हैं रामू राम रायका, नजर आ रहे हैं। देखिए देखिए बिल्कुल आरपीएससी के सदस्य रहे हैं, और जो एसओजी की टीम है वो रामू राम रायका को लेकर के लिफ्ट में, ये लिफ्ट बंद हो चुकी है, और सातवीं मंजिल को लेकर के अब रामू राम रायका को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ ये खास विजुअल, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का गहमागहमी का माहौल यहाँ पर बन चुका है। काफी वकील यहाँ पर है, और ये जो आप पीछे की तरफ आप देख सकते हैं काफी संख्या में वकील यहाँ पर है रामू राम रायका को लेकर के। कल एसओजी की टीम जयपुर आई थी, जयपुर में कल एसओजी मुख्यालय में कल रामू राम रायका को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब कोर्ट पहुंची है। सातवीं मंजिल पर कोर्ट है, देखिए सातवीं मंजिल पर यहाँ पर कोर्ट है, और कोर्ट में कुछ देर बाद हम दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या दलीलें कोर्ट में एसओजी की ओर से उनके वकील देते हैं, क्या बचाव पक्ष कहेगा, ये सब देखने वाले विष्णु बात होगी। दलीलें तो पेश की जाएंगी, लेकिन क्या कुछ पता है कि एसओजी की तरफ से क्या दलीलें पेश की जा सकती हैं? बचाव पीड़ित की तरफ से जो वकील होंगे वो अपने डिफेंड में क्या कुछ बोलने वाले हैं? देखिए एसओजी की ओर से दलील यही दी जाएगी कि काफी गंभीर मामला है, 2021 का ही मामला है, और चूंकि 2018 यानी कि जुलाई 2018 से और 2022 तक जो रामू राम रायका थे वो आरपीएससी के मेंबर रहे थे, और इसी दौरान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में आयोजित हुई थी। एसओजी की ओर से कहा ही जाएगा कि इस गंभीर परीक्षा में रामू राम रायका ने सहयोग करते हुए या फिर अनैतिक तरीके से उन्होंने पेपर हासिल किया, उसके बाद उस पेपर को अपने बच्चे और बच्चे को दिलवाया, जिसकी मदद से उनकी बेटी शोभा ने पांचवी रैंक हासिल की, और वहीं पर जो बेटा है उसने ठीक है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पूरे स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, रामू राम रायका जो कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य रह चुके हैं वसुंधरा राजे सरकार में, और आप देखिए कि एसओजी ने कल बीते रविवार को इनको गिरफ्तार किया, आज कोर्ट में पेशी करने के लिए इनको ला रही है। सीधे तस्वीरें हम आपको कोर्ट से भी दिखाएंगे, हमारे संवाददाता विष्णु लगातार लगे हुए हैं वहां पर, जुड़े हुए हैं। ये सीधे जब ये काफिला जा रहा था कोर्ट की तरफ कोर्ट में पेश करने के लिए, एसओजी जब रामू राम रायका को लेकर जा रही थी, ये तस्वीरें तब की हैं, पूरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण 2021 में अब जो जद में आया है वो ये शख्स है। बताते चले कि रामू राम रायका के बेटा और बेटी को कल ही एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया था, आज कोर्ट में पेशी है। पेशी के दौरान उस समय दलीलें एसओजी की तरफ से क्या दी जाती, हालांकि विष्णु ने जिस तरह बताया कि एसओजी की तरफ से यही कहा जाएगा कि बेहद ही गंभीर मामला है, इस प्रकरण में ये एक्शन लिए गए हैं, और अब इसका सीधा निशाना रामू राम रायका की तरफ उठ रहा है, रिमांड पर भेजा जाए ताकि पूछताछ इनसे किया जाए। तो ये भी हो सकता है, आप देख रहे हैं ये होगा कि क्या दलीलें डिफेंडर की तरफ से दी जाती हैं, यानी पीड़ित पक्ष की तरफ से जो वकील होंगे वो अपने पक्ष में क्या बोलेंगे, हालांकि वो कोर्ट की कार्रवाई का विषय है। लेकिन इसके पहले जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है, पहली तस्वीर लिफ्ट की है, जहां आपको सीधे आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका नजर आ रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़े हुए तार इनके साथ जुड़े, उसके बाद एसओजी ने कल इनको गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेशी किया। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विष्णु लगभग आप मुझे लगता है ये फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए रामू राम रायका को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते हुए टीम एसओजी की टीम आपको नजर आ रही, विष्णु जुड़े हुए हैं, विष्णु बताइए कोर्ट में कितनी देर में पेशी, कितने सेकेंड और इंतजार?
देखिए एक बड़ी अपडेट दूंगा कि सातवीं मंजिल पर रामू राम नायका को यहाँ पर लाया गया था। उसके बाद में रामू राम नायका को सातवीं मंजिल पर कोर्ट में लाया गया था, लेकिन यहाँ पे जज जो है वो छुट्टी पर है, ऐसे में वापस से तीसरी मंजिल पर लेकर के उनको जाया जा रहा है। ओके okay. वहीं तीसरी मंजिल पर कोर्ट में रामू राम नायका की पेशियों की, चूंकि काफी सात मंजिलें यहाँ पर थी, सातवीं मंजिल पर हाँ. सबसे ऊंची जो है वो कोर्ट है, इस वजह से स्टूडियो से आते हैं थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए। उसके बाद जब मैं, क्योंकि आपने बताया सात मंजिल है और आप चढ़कर आए होंगे, क्योंकि आप वहीं से तस्वीर सीधे दिखा रहे हैं। फिलहाल विष्णु ने एक बड़ा अपडेट दिया है कि आज जज साहब छुट्टी पर है, इसलिए फिर से एसओजी की टीम उनको लेकर गई थी, लेकिन पता चला कि जज साहब छुट्टी पर है इसलिए फिर से उनको तीसरे मंजिल पर लाया गया है। अब तीसरे मंजिल पर क्यों लाया गया, विष्णु थोड़ा रिलैक्स हो जाए तो उसके बाद बताएंगे। फिलहाल आपको एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक से केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर विष्णु बोल रहे हैं। विष्णु जी बताइए। देखिए अब तक जितनी पेशियां सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मामले में हुई है अभ्यर्थियों की, आरोपियों की, उन सभी को जो सेशन कोर्ट है उसमें जो नई बिल्डिंग है उसकी सातवीं मंजिल पर एसीएम सीजीएम कोर्ट में लाया गया था, यहीं पेश किया गया था। और आज भी एसओजी की टीम रामू राम नायका को लेकर के यहीं पर पहुंची थी, लेकिन जब कोर्ट में पेश किया तो मालूम चला कि जज जो है वो संभवतः छुट्टी पर, जिसके बाद अब जो उनकी जगह आज इस केस की सुनवाई करेंगे जज, वहां पर अब रामू राम नायका को लेकर के एसओजी की टीम पहुंची है। सातवीं मंजिल की बजाय अब एसओजी की टीम वापस से तीसरी मंजिल पर गई है, वहीं पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां पर अनुसंधान अधिकारी महावीर सिंह जो कि एडिशनल एसपी हैं, वे अपने जो जो कागजात हैं वो दायर करेंगे, वहां दलील दी जाएगी। वहीं पर रामू राम रायका की ओर से भी काफी संख्या में उनके समर्थक है वो यहां पर आए हैं, इसी को देखते हुए पुलिस जाब्ता यहां पर आज अतिरिक्त लगाया गया है। वहीं साथ में वकील भी उनके बचाव पक्ष की ओर वहां पर लगाए गए हैं। जी ये आपने आगे फदर क्या होगा ये आपने बताया, अब ये बताइए कि यहाँ पर जो तीसरे मंजिल पर विष्णु लाया गया है, यहाँ पर एडिशनल जज जो सुनवाई करेंगे, एसओजी की तरफ से जो दलीलें दी जाएंगी, जो डिफेंडर की टीम की तरफ से जो दलीलें दी जाएंगी, कितनी देर की ये पूरी प्रक्रिया रहेगी और उसके बाद आगे क्या होगा फिर? देखिए करीब आधे से पौन घंटे का वक्त यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि अब जो जज हैं वो जज होंगे जो अवकाशकालीन जज की जगह सुनवाई करेंगे। ऐसे में पूरी तफ्तीश से उनको जानकारी एसओजी के अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, एडिशनल एसपी महावीर सिंह जो देने वाले हैं। इसी कड़ी में देखिए एक अभी एसओजी के अधिकारी यहाँ पर आए थे, लेकिन संभवतः उन्हें भी जानकारी नहीं होगी कि जो सुनवाई है वो तीसरी मंजिल पर होने वाली है। लिफ्ट में हम भी दाखिल हो चुके हैं तीसरी मंजिल पर जाने के लिए, क्योंकि तो देखिए वापस से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, बहुत ऊंचाई। फिलहाल विष्णु हाँ। फिर से लिफ्ट, चूंकि तकनीकी यहाँ पे भी खामी कमी यहाँ पर आ रही है, इसी में मैं कह रहा था कि आधे से पौन घंटे के ज्यादा वक्त यहाँ पर लगने वाला है, चूंकि अवकाशकालीन जज की जगह जो दूसरे जज केस की सुनवाई करेंगे, तो एसओजी तफ्तीश के साथ में पूरे प्रकरण को रखेगी कोर्ट में। उसके बाद बचाव पक्ष और एसओजी की ओर से जो स्पेशल पीपी हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में ही जज तय करेंगे कि रामू राम रायका जो कि आरपीएससी के पूर्व मेंबर है उनको रिमांड पर भेजा जाए और कितने के रिमांड पर भेजा जाए। जैसे कि कल देखा था कि कल जो पांच ट्रेनी एसआई थे उनको कोर्ट में पेश करते वक्त करीब 5-12 दिन का रिमांड एसओजी ने मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 7 सितंबर तक यानी 6 सितंबर एक बार फिर से लिफ्ट में चल करके तीसरी मंजिल तक पहुंचने। तो विष्णु कोशिश कर रहे हैं कि लिफ्ट में जा सके, हम कोर्ट तक पहुंचे और दर्शकों को बता सके। थोड़ा नेटवर्क का भी इशू है, लेकिन विष्णु लगातार हमसे कनेक्ट हैं इस मुद्दे पर। जब से रामू राम रायका को लाया गया कोर्ट में, लेकिन पता चला कि जज साहब वहां पर नहीं बैठे हैं, एडिशनल तो जज के पास वहां पर लेके सीढ़ी चढ़ते बह चुकी है। एक प्रोविजन है 5 विष्णु जहां पर आप हैं थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो क्लियर आवाज आपकी नहीं आ पा रही है, थोड़ा नेटवर्क में आप आइए। तब तक हम बता देते हैं अपने दर्शकों को, दरअसल आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से आरपीएससी के पूर्व सदस्य यानी कि रामू राम रायका, जिनके बेटे का नाम और बेटी दोनों ही, जिनको परीक्षा से पहले सवालों के जवाब मालूम थे, जब वो परीक्षा में बैठे तो एक की 5वीं रैंक बेटी की और बेटे की 40वीं रैंक आई थी, और उसके बाद तमाम लोग इसमें गिरफ्तार किए गए।
कल भी 5 लोगों को ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया, जहां एसओजी की तरफ से कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। 12 दिन की रिमांड कल मांगी गई थी, लेकिन 6 सितंबर तक उनको रिमांड दी। आज रायका को आज कोर्ट एसओजी की तरफ से कोर्ट में पेश किए जाने की ये पूरी तस्वीर इस समय आपके सामने है, जहां एसओजी की तरफ से दलीलें दी जाएंगी, बचाव की तरफ से, बचाव जो पीड़ित है यानी कि रामू राम रायका, उनके तरफ से भी वकील उनकी दलीलें देंगे। अब देखना ही होगा कि एसओजी कितने दिन की रिमांड मांगती है और कोर्ट सारी दलीलों को सुनने के बाद कितने दिन की रिमांड पर भेजती है। तो ये बड़े तार कहीं ना कहीं जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें 2021 एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर, विष्णु हमसे कनेक्ट हो गए। जी विष्णु, देखिए तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 312 है, जो कि अपर वरिष्ठ सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट है जयपुर महानगर सेकंड के, उन्हीं के कमरे में, उन्हीं की कोर्ट में आज रामू राम रायका, जो कि आरपीसी के पूर्व मेंबर हैं, एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में जिनकी जो आरोपी जिनके बेटे और बेटी को कल गिरफ्तार किया गया था, ऐसे में रामू राम रायका के लिए बताया जा रहा है कि कल जब वो एसओजी मुख्यालय पहुंचे उसके बाद में उनसे भी पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद में कल रात को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद में अनुसंधान अधिकारी महावीर सिंह ने एसएचओ सोडाला, जो कि जयपुर कमिश्नरेट में है, वहीं पर एसएचओ जो नागौर में है, उनको एक पत्र लिखा जिसमें रामू राम रायका की गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को देने की बात कही। साथ में ये भी कहा गया कि यदि इनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसकी सूचना भी एसओजी के अनुसंधान अधिकारी को पहुंचाई जाए। यानी कि गिरफ्तारी के बाद में अनुसंधान अधिकारी एडिशनल एसपी महावीर सिंह की ओर से 2 एसएचओ को पत्र लिखा गया है, वो पत्र भी हमने दिखाया था। उसमें लिखा गया है कि यदि कोई रामू राम रायका के खिलाफ नागौर में जहां पर उनका पैतृक घर है उस थाने में यदि कोई किसी भी तरीके का कोई आपराधिक केस दर्ज है उसकी सूचना एसओजी को दी जाए। साथ में ये भी बताया जाए कि साथ में रामू राम रायका की ऑफिशियली गिरफ्तारी की सूचना उनको परिजनों को दे दी जाए, ऐसा अनुसंधान अधिकारी ने कहा था। और उसके बाद में आज मेडिकल मुआयना मेडिकल जांच करवाई गई कोर्ट में पेशी के पहले, कोर्ट में लाने से पहले मेडिकल टेस्ट उनका करवाया गया। उसके बाद में आज एसओजी की अलग अलग टीमें यहां पर रामू राम रायका को लेकर के पहुंची है। संभवतया आज भी 7 से 10 दिन का रिमांड एसओजी संभवतया मांग सकती है। आप देखिए हलचल यहां पर बढ़ गई है, चूंकि वकीलों के आने जाने की जो प्रक्रिया है वो यहां पर लगातार जारी है, कई मुकदमों की यहां पर जांच है। लेकिन आज चुकी सबसे ज्यादा जो बड़ा जो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं बाहर की तरफ, देखिए पूरा कितने लोग के लिए इसके उस केस में कोर्ट के फैसले को जानने के लिए यहां पर वकीलों की काफी संख्या यहां पर बढ़ी है। जो लोग यहां पर कोर्ट में आते हैं वो देखना की माजरा क्या है यहां पर, जिनको मालूम है रामू राम रायका की पेशी हो रही है वे उनको जानने के लिए, चूंकि बड़ा चेहरा है रायका समाज के रामू राम रायका, ऐसे में काफी उनके जानने वाले परिचित परिवार के लोग भी यहां पर इकट्ठे हैं। इसी को देखते हुए आज इस कोर्ट में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात किया गया था। बिल्कुल होना भी चाहिए विष्णु, क्योंकि कोर्ट की वो भी तस्वीरें हमने देखी थी जब एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में जब पहली बार 5 से 6 आरोपी इसमें गिरफ्तार करके एसओजी के द्वारा लाए गए थे, उस समय किस तरह से माहौल कोर्ट के परिसर का हुआ था, कोर्ट के अंदर का वो भी हमने देखा था। तो यहाँ पुलिस जाब्ता भारी अगर तैनात किया गया है तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा आज कोर्ट में पेश किया गया है इस भर्ती प्रकरण में। लेकिन विष्णु मुझे ये बताइए कि काफी ज्यादा समय नहीं लग गया एक बड़े चेहरे को इसमें आते आते उस तक पहुंचते? देखिए प्रियंका, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जब रामू राम रायका को मालूम चला कि उनके बेटे देवेश और उनकी बेटी शोभा, जिसने शोभा ने 5वीं रैंक ऐसे ही भर्ती परीक्षा में हासिल की थी, बेटे देवेश ने 40वीं रैंक इस परीक्षा में पास की थी, कुल 869 के लगभग जो चयन हुआ था, तो ऐसे में टॉपर थे। उसके जब उनके बेटे और बेटी को पकड़ा है पूछताछ के लिए, तो उसके बाद उनका बयान सामने आया था कि उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, उनका यदि कोई रोल हो, यदि उनका रोल साबित होता है तो उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, ऐसे कई तरह के बयान रामू राम रायका की ओर से दिए गए थे। लेकिन जब कल खुद रामू राम रायका बताया ये जा रहा है सूत्रों के मुताबिक, जब वे एसओजी मुख्यालय पहुंचे वहां पर उनको लगता नहीं था कि एसओजी भी उनको गिरफ्त में ले लेगी, लेकिन हुआ यही कि रामू राम रायका जब एसओजी मुख्यालय पहुंचे अपने बच्चे उसके लिए, तो उसके बाद में रामू राम रायका को भी एसओजी ने हिरासत में लिया, लीगल प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया गया, उसको उनको पूछताछ के बाद में उनको भी कल रात को गिरफ्तारी कर ली, और उसके तुरंत बाद
तुरंत बाद एडिशनल एसपी महावीर सिंह जो कि केस के अनुसंधान अधिकारी है, उन्होंने एसएचओ सोडाला को और अन्य अधिकारियों को नागौर में पत्र लिख दिया कि तत्काल इसकी सूचना, गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दे दी जाए। क्योंकि उसके पहले देखिए यहाँ पर काफी गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर हो रहा है, काफी गहमा गहमी, ये गहमा गहमी का माहौल क्यों है, क्यों है ये, क्या समर्थक और वकीलों के बीच में ये झड़प है? विष्णु फिलहाल हमें बता पाएंगे क्योंकि थोड़ा नेटवर्क, देखिए यहाँ पे कुछ विवाद यहाँ पर हो रहा है, मालूम चल रहा है कि देखिए यहाँ पर कुछ विवाद की बात सामने है, कुछ वकीलों से हम बात करते हैं क्या हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको जिसको ये नहीं पता राजस्थान का सीएम कौन है, वो एक ऐसा ही बन गया। एक वकील जहां पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि बोलने उन्होंने बात करी, वकील साहब ने बात करी, भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, तो वकील को ये बोल रहा है कि थप्पड़ मारूंगा तेरे को मैं यहाँ पे, क्यों मारेगा भाई थप्पड़, वकील को खाने को देता है, क्यों मारेगा थप्पड़, और फिर ऊपर से सीना जो मतलब उसकी बेटी का सारे सारे बेचारे गरीब बच्चे परेशान हो रहे हैं, नौकरी करके मालूम नहीं है कुछ भी इनको, ये सारी सारी गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट इनके ऊपर सख्त एक्शन नहीं ले रही है, खुद प्रोटेक्ट कर रही है, इनको देनी नीचे प्रोटेक्शन, किस बात की प्रोटेक्शन दे रहा है, उन्होंने बोला अगर प्रोटेक्शन बेटी और प्रोटेक्शन जवाब दिया, मैं आपके थप्पड़ देके इसका पूरे विचार दूंगा भाई, कार्रवाई हम ये चाह रहे हैं, जितने बने आजीवन आजीवन कारावास होगी उनकी, जब तक जिंदा तब तक जेल के अंदर सड़े, वकील कोर्ट में सुरक्षित है, आरोप सिद्ध होंगे, आरोप सिद्ध है, और परिसर से एक वकील खड़ा नहीं होगा इसके साथ में, अब वकील को धमकी दे रहा है ये सर आप, देखिए यहाँ पर अलग ही विवाद हुआ है, बिल्कुल वकीलों को ये आरोप है कि रामू राम रायका ने किसी वकील को थप्पड़ मारने की बात यहाँ पर कही है, क्या कहा है, क्या बात हुई है? वकील साहब ने ये पूछा कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया, तो वकील साहब को इन्होंने ये बोला कि नॉर्मल सी वकील साहब बात पूछ रहे हैं कि आप चले जाओ यहाँ से, मैं चांटा मार दूंगा आपको, भाई चांटा क्यों मार देगा वकील को, वकील ने क्या कर दिया, ये जो राम राम भाई राय का जो है ये वकील को चांटा मारने की धमकी दे रहा है, और वो भी ओपन कोर्ट के अंदर, भाई ऐसा क्यों कर रही है, ये गलत बात है ना, इन्होंने गलत किया, सबको सब पनिशमेंट मिला, बेचारे जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं बन पाए, उनका सबका भविष्य खराब हो गया, लेकिन इसने सिर्फ अपनी यथार्थ के वस्ते अपने बच्चों को भविष्य बनाने के चक्कर से कितने लोगों का भविष्य खराब किया। आप कोई आपत्ति दर्ज करेंगे भाई? हमारे आपत्ति सबसे पहले तो ये है, वकील को इसने धमकी क्यों दी सर, हम भाई हमें प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है गवर्नमेंट कहती है प्रोटेक्शन लाएंगे, आज तक ना तो प्रोटेक्शन आया हमारे वकीलों का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको वापस भेज दिया, बात यहाँ पर है, लेकिन फिर से चल रहा हूँ पीछे की तरफ, यहाँ पर प्रहलाद जी हो गया, नहीं सर मैं इस प्रकरण में हूँ, मेरा तो लिंक कोर्ट है, आज मेरे सीजीएम साहब अवकाश में है, तो आप नीचे क्या करने आए थे? मैं मेरा लिंक कोर्ट है ना सर, इनको बोला थप्पड़ मारने के लिए, ऐसा है मेरे भाई साहब, इनको बोला थप्पड़ मारने के लिए, ऐसा है, मैंने 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 रामू राय का कहा, मैंने किस प्रकार की हरकत क्यों की आपने, तो एक अलग ही विवाद वहाँ पर, विष्णु जिस तरह बता रहे हैं कि एक सीनियर वकील ने उनसे पूछा और थप्पड़ का इशारा किया उसने, ये बोल रहा बताओ बाहर निकाल के खाते इस बार का, मेरा नाम शिवराम पारी का एडवोकेट है, मेरे साथ मेरे जूनियर थे, मेरे मैंने इशारा देखा, आवाज आपने सुनी है, मैंने सुनी है चीज, मैं तो बोल रहा हूँ, ये एफआईआर कर दो किस खिलाफ ही, अभी एफआईआर कराई है, कोर्ट कही कहना है कि यहाँ पर थप्पड़ मारने की बात यहाँ पर कही गई है, मजिस्ट्रेट के सामने पीछे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे एक अलग ही विवाद यहाँ पर हो गया, शिव कुमार भारद्वाज के शब्बीर जो है वो यहाँ पर एक अलग विवाद, समाज समुदाय में यहाँ पर आक्रोश हो गए, माहौल जो है यहाँ पर हो गया, कहना यही है कि बात यहाँ पर वकीलों को कही गई है जी। विष्णु ये मुझे थोड़ी थोड़ा मंजर वो नजर आ रहा है कि जब पहली बार आरोपी गिरफ्तार करके
कोर्ट में लाए गए थे तब जिस तरह से हाथापाई करने की कोशिश वकीलों के द्वारा की गई थी, आज एक अलग विवाद जरूर खड़ा हुआ लेकिन रिलेटेड कहीं ना कहीं रामू राम रायका से ही है, क्योंकि एक सीनियर वकील ने जब उनसे पूछा कि इस तरह से काम आपने क्यों किया सरकारी महकमे में होते हुए भी, पूर्व उसके बाद भी इसके एक अलग विवाद खड़ा हो गया। लेकिन विष्णु ये बताइए कि पेशी में कितना वक्त अभी लगेगा, क्या कोर्ट में पेशी हो चुकी है, क्या कार्रवाई वहां पर चल रही है? विष्णु तक मेरी आवाज पहुंचे और वो हमसे कनेक्ट हो पाए क्योंकि नेटवर्क इश्यू भी है, विवाद वहां पे अलग एक खड़ा हो गया वकीलों का। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विष्णु से हमने सवाल पूछा है, वो कनेक्ट होंगे तो जरूर उसका जवाब देंगे। लेकिन आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को आप देख रहे हैं जहां कोर्ट में पेशी के लिए एसओजी इनको लेकर आई है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।